ओ भाई साहब, ये तो भाई खतरनाक है थोड़ा। प्यारे पाजी, क्या नाम है इसका? इसका ब्रूनो। ब्रूनो नाम है गाइस। आप एक्चुअली से पकड़ सकते हैं, कुछ नहीं कहेगा। बिल्कुल पीएम का यार, ये वाला कलर जो है ना, बहुत ही प्यारा लगता है पाजी। ये सब ठंड इतनी ज्यादा हो गई है ना यार गाइस, मैं आपको क्या ही बताऊं। और एक ऐसी ब्रीड जिसको ठंड में आता है मजा, वो देखने के लिए आए हैं हम। बरनाला में डॉग शो है गाइस, यहाँ पर हमें मिलेंगे टीएम, गद्दी और बखरवाल। आपको दिखाएंगे तीनों ब्रीड्स, और तीनों जो ब्रीड्स हैं वो बड़ी ब्रीड, शानदार ब्रीड, और ठंड का लेती हैं वो नज़ारा। के चलते स्वागत करते हैं गाइस पेट लवर्स अनुतुष। बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है इस वीडियो में, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी यार, मतलब इस डॉग शो की। आपको लेकर चलते हैं सीधा डॉग शो के अंदर और मिलवाते हैं बड़ी वाली ब्रीड के साथ। भाई साहब, तगड़ा माहौल बना रखा है इन्होंने यार। भाई ओए होए होए, मजेदार ये डॉग शो। और इस डॉग शो की खास बात ये है, स्पेशलिटी टीएम्स गद्दी और बखरवाल। और मैं बता दूं गाइस, ये जो डॉग शो की ये इसमें एंट्री है ना डॉग्स की, ये बिल्कुल फ्री है, और फ्री में भी इनको दिए जाएंगे बेहतरीन और शानदार अवार्ड्स। ये देखिए गाइस, संभालना भी मुश्किल हो जाता है, मतलब इतनी ताकत होती है इन डॉग्स में। ओ भाई साहब, ये देख लो गाइस, इतने सारे यहाँ पर पाजी गद्दी हैं, ये सारे गद्दी हैं। और पाजी यहाँ लोकल बरनाला से ही हैं, तो पाजी इतने सारे डॉग्स, और मेंटेन कैसे करते हो, कैसे मतलब इन लोगों की केयर करते हो आप? पहले तो हमारा बेटा था, वो बाहर चला गया। अच्छा, आपके हवाले करके चला गया कि आप संभालो? है घर में सभी मेंटेन करते हैं। अच्छा, बहुत। कितने पाजी आपके पास टोटल कितने गद्दी हैं घर पे? हम तो पांच है, पहले 10-12। पहले 10-12 थे। अरे अरे अरे, ये थोड़ा सा हो रहा है अग्रेसिव। एक्चुअली ये माइक को देखकर होता है गाइस, ऐसा कुछ नहीं है। तो पाजी बात करते हैं हम गद्दी की, जो गद्दी की हाइट है वो कितनी हो जाती है? 33-34 इंच हो जाती है। और वेट कितना रहता है इनका? वेट इनका चला जाता है 80-85। और बात करते हैं इन सभी की खाने के बारे में। खाना पाजी कितना, मतलब एक महीने में कितना हो जाता है इनका? खाना कोई इतना ज्यादा तो नहीं है। अच्छा, जो मर्जी दे सकते हैं। अच्छा, मतलब जरूरी नहीं है कि चिकन ही देना है, नॉन वेज ही देना है, वेज भी खा लेते हैं, वेजिटेरियन जो भी दे सकते हैं। अच्छा, अब जैसे पाजी हम लोग तो यहाँ पे जितने भी लोग, अरे क्या है बच्चे, जितने भी बाजी यहाँ पर हम हैं है ना, सभी को वो इतनी ज्यादा ठंड लग रही है, और इनको मजा आता है ना ठंड में, ये ठंड को एंजॉय करते हैं। और कभी ऐसा भी हुआ है कि मतलब जरूरत पड़ी होगी इनको कोटी स्वेटर पहनाने की? ऐसा कुछ नहीं है। और घर पर मतलब ऐसे ही रहते हैं, ये ओपन में ही रहते हैं? ओपन में ही रहते हैं, खुले में। इतने में पाजी इनके पप्पीज जो है वो अवेलेबल हो जाते हैं? 50,000 में गाइस, बहुत अच्छी क्वालिटी है ये, आप देख सकते हो इनका जो फुट है, जो ग्रोथ है, जो इनकी बहुत ही शानदार है। तो ऐसे अगर पप्पीज लेने हो तो पाजी को कर सकते हो कांटेक्ट। पाजी एक बार अपने कैनल का नाम और कांटेक्ट नंबर शेयर कर दो। कांटेक्ट नंबर है 94634-8174। जेड़ा कोट आंदा है, कोट दी गल करिए ना, वो केड़ा कोट आंदा, मतलब सारे गद्दी दा इक्को नाल दा हुंदा है या वखरा वखरा भी हुंदा? अच्छा, एदा केड़ा भाई? जिवें इह स्पोर्ट कोट नाल आई। अच्छा, ते एदी अपा मतलब साल च इक वारी अपा कटिंग वगैरा करदे आ अपा? नहीं, अपने आप लोड नहीं पैंदी एदी, हेयर कट दी लोड नहीं पैंदी या करनी पैंदी इक वारी दा? अपने आप ही उतार दिंदा ये। अच्छा, अपने आप ही उतार दिंदा? ओ गाइस, ये बात सुनने वाली है कि अपने आप ही ये श्रेड करता है। कदों पाजी, केड़े मौसम च करदा है? गर्मियां च करदा है। गर्मियां च मतलब जून जुलाई दे आसपास है ना? ओ भाई, अपने आप आई जांदा चढ़ी जांदा। ओके ओके ओके, देख सकते हो गाइस, बहुत ही प्यारा यहां पर ये गद्दी। ओ भाई यार, अभी भी आप लोगों को सोचना पड़ता है क्या, जो यार नए यूजर्स हैं, जो नए लोग देख रहे हैं, वो कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि और अमेजिंग वीडियोस आएंगी यार। और वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि पूरा मजा आने वाला है। बहुत ही ज्यादा शानदार ये डॉग शो है गाइस।
ये वाला गाइस चेक करो आप, बहुत ही प्यारा है। ये TM है और आप देख सकते हो अभी थोड़ा सा थक चुका है ये, इसकी आप थकावट पे मत जाओ क्योंकि बहुत ज्यादा एक्साइटेड है ये इस डॉग शो को लेकर। आप देख सकते हो यार, मतलब होता ही है कि इतने सारे डॉग्स होते हैं और उनको देखकर एक्साइटमेंट तो फिर गाइस हो ही जाती है। आपको इसकी मैं ग्रोथ दिखाता हूँ भाई साहब, ये है असली TM। ओ भाई साहब, ये देखो यहाँ से दिखाते हैं गाइस। पाजी कहाँ से आए हो आप? पाजी इसको संभालना मुश्किल नहीं होता क्या? नहीं, नहीं, मैं पाजी कहने मैं मोढ़े चक लेना। पाजी तुसी दा बढ़िया अपनी बॉडी बूडी बना रखी है ना, सानू थोड़ा जा औखा हो जाना। ते पाजी होर भी अपने को लेहो जे डॉग्स हैगे? इको ही है और बहुत ही प्यारा। ते पाजी अपा जे गल करिए दे एक्सरसाइज दी है ना, ते किन्ना क इनू कमाउणा पैंदा? बस सवेरे जी किलोमीटर 2 किलोमीटर सवेरे, ठीक है, ते डाइट किन्नी? ओ भाई साहब, ये तो भाई खतरनाक है थोड़ा। पाजी डाइट मतलब नॉर्मल डाइट है? कितने टाइम देते हो? दो टाइम देते हो इसको? और अगर बाय चांस एक टाइम मिस कर दी जाए तो कोई इफेक्ट पड़ता है? कोई दिक्कत नहीं है, मिस करते नहीं बट बाय चांस अगर करनी पड़ जाए? अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। देख सकते हो गाइस बहुत ही प्यारा। और क्या नाम है पाजी इसका? है जॉर्ज नाम रखा है पाजी ने इसका। ओए होए पाजी, एक बार खड़ा करके फिर से दिखा दो व्यूअर्स को, वो देख लो गाइस। ओरे इसने डरा दिया भाई सबको, पर बहुत प्यारा है सच में। गाइज मैं इस टाइम रिंग के अंदर हूँ और जो आप पीछे देख सकते हैं डॉग्स, ये फीमेल्स हैं। गद्दी 1 साल से छोटी जो फीमेल्स हैं यहाँ पर आप देख सकते हो, बहुत ही प्यारी। आपको इसका ओवरव्यू भी यार, मतलब इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा है ना यार। थोड़ी सी अग्रेसिव ज़रूर होती है ये ब्रीड, बट उससे डबल जो है वो मज़ा कर देती है, क्योंकि यार इतनी बड़ी और अच्छी और प्यारी ब्रीड है ना। आपको एक ओवरव्यू देता हूँ मैं। गाइस हमें सुवेक पाजी मिले हैं और पाजी मुक्सर से हैं। पाजी सबसे पहले तो अपने कैनल का नाम इंट्रोड्यूस कराओ व्यूअर्स को। हमारे कैनल का नाम रोजर कैनल है। रोजर कैनल में गाइस आप देख सकते हो यहाँ पर गद्दी है इनके पास, बहुत ही प्यारे। और आप गद्दी देख सकते हो यार, मतलब बहुत ज्यादा अमेजिंग और इतनी बड़ी हाइट। पाजी सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराओ, इसका क्या नाम है? इसका नाम जंबो है जी। जंबो नाम है। जंबो अपनी शक्ल दिखा दे फिर व्यूअर्स को। पाजी एग्रेसिव तो नहीं है? नहीं नहीं नहीं। हाय जंबो। जंबो, ओ भाई साहब जंबो बहुत ही प्यारा है। और यार मैं बता दूं, गद्दी ब्रीड मतलब TMs हो गद्दी हो सभी प्यारी ब्रीड्स हैं। आप देख सकते हो यहाँ बैठे हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि यार एग्रेसिव हो रहे हैं या कुछ, बिल्कुल भी नहीं। ऑब्वियसली अगर आप घर पे जाओगे इनके तो वो तो गार्डिंग पर्पज के लिए तो काम आते हैं। तो पाजी बात करते हैं गार्डिंग पर्पज की, है ना। मतलब जैसे ये गार्ड डॉग्स है ना, तो क्या मतलब क्या रहता है अगर कोई आपके घर पे आता है, मतलब किस तरह का माहौल बन जाता है? देखो मतलब वैसे मतलब लोगों में ऐसी परसेप्शन है कि ये बहुत अग्रेसिव है, आप इनके साथ पहली बार ही खड़े हो, आपको कुछ भी नहीं बोल रहे। जंबो बहुत अच्छे और मतलब स्मार्ट डॉग्स हैं, लेकिन अगर घर पे कोई आएगा तो ऑब्वियसली ये मतलब ये गार्ड डॉग्स के नाम से जाने जाते हैं। अगर कोई घर में एंटर करेगा तो ये बहुत मतलब अग्रेसिव हो जाते हैं। अजी हम बात करते हैं, मतलब जैसे बड़ी ब्रीड है ना, तो बड़ी ब्रीड को संभालना कैसा रहता है पाजी? संभालने की दिक्कत तो मेन, अगर आप बात करें इस ब्रीड को रखने के लिए, जगह की तो जरूर दिक्कत आती है कि जैसे जगह तो बड़ी चाहिए ही चाहिए, है ना। फ्लैट्स वगैरह में कोई रहता है या मतलब शहर में कम जगह है तो बिल्कुल मत रखिए। मतलब एक एनवायरनमेंट देना पड़ता है इन्हें। ऐसा कोई मतलब ये रफ एंड टफ ब्रीड है, ऐसे नहीं है कि मतलब इन्हें कोई स्पेशल कोई ट्रीटमेंट वगैरह देनी पड़ती है या कुछ करना पड़ता है, घर पे नॉर्मल रहते हैं। और पाजी आप जैसे आज यहाँ शो पर आए हो ना इतने सारे डॉग्स लेकर, तो मतलब इनकी मील्स का क्या रहता है कि मील्स भी यहाँ लानी पड़ती है? कितने टाइम की मील लेकर आते हो यहाँ? सर 2 टाइम खाना देते हैं जी। अच्छा, 2 टाइम देते हैं नॉर्मल, मतलब ऐसा नहीं कि मतलब फीड्स वगैरह नहीं जो मतलब आती है वो नहीं है, नॉर्मल डाइट जैसे मतलब इंडियन लोग खाते हैं, मतलब घर का खाना जैसे रोटियां होगी, चावल दे देते हैं, चिकन बॉयल करके कभी कभी दे देते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि कोई स्पेशल वो नहीं है। आप स्क्रीनशॉट गाइस ले सकते हैं अगर ऐसे प्यारे से
किसी ने बच्चे लेने हो, रॉजर कैनल गाइस, इस डॉग शो की खास बात, ट्रॉफीज देख लो यार, मतलब कोई चार्ज नहीं है फिर भी ट्रॉफीज बांटी जाएंगी और इतनी सारी भाई साहब। और ये आपको दिखा दूं मैं, जो बेस्ट फर्स्ट बेस्ट इन शो वाली जो गाइस ट्रॉफी है ना, ये वाली, ये मेरी हाइट से भी बड़ी होगी, मतलब 6 फुट से भी ज्यादा। और आपको एक बार इसका पूरा मैं देता हूँ व्यू सा यार, जो ट्रॉफीज का, ये ट्रॉफीज तो यहाँ पर है ही है गाइस, पर रिंग के अंदर और ट्रॉफीज भी देखने को मिल जाएंगी यार, मतलब जबरदस्ती यार डॉग शो है ये। ओहो भाई साहब, सल्यूट टू द ऑर्गेनाइजर्स जिन्होंने ये स्टेप लिया, बहुत ही बढ़िया बात। तो गाइस यहाँ परमिंदर पाजी और बराड़ पाजी हैं, जो ऑर्गेनाइजर हैं आज के डॉग शो के, और डॉग शो के बारे में पाजी बताएंगे। पाजी क्या सोच के आपने, मतलब फर्स्ट टाइम ये मेरे ख्याल से हो रहा है यहाँ अपने पंजाब में, स्पेशली गद्दी टीएम्स और बखरवाल का, और पाजी क्या आपके माइंड में थॉट आया कि ये चीज होनी चाहिए? सबसे पहले तो आपको वेलकम रे, आप थैंक यू पाजी, थैंक यू सो मच। शूट कर लिया है पंजाब से पहली बार नहीं, ऑल इंडिया से पहली बार, इंडिया में गाइस फर्स्ट टाइम हो रहा है। तो पाजी क्या आपके माइंड में थॉट ये है कि ब्रीड को प्रमोट करने का? बिल्कुल ही टोटली पहली बार होगा ऐसा शो कि बिल्कुल ही फ्री है, एक भी चीज का एक भी पैसा नहीं है, बिल्कुल सभी चीजें फ्री हैं। बहुत बढ़िया। और इतनी वैसे भी पंजाबियों का दिल तो गाइस आपको पता है भाई, एंट्री भी बिल्कुल ही फ्री है, ऊपर से ट्रॉफी हर एक डॉग जो भी यहाँ पे पहुंचेगा, चाहे वो रिंग में शो हो ना हो, उसको भी ट्रॉफी है। ये गाइस मतलब आप पीछे पोस्टर देख सकते हो, इस पोस्टर में भी है कि हर एक डॉग को मतलब ट्रॉफी और अवार्ड दिया जाएगा। तो पाजी मतलब आप पाजी के साथ है ना, तो आपके माइंड में क्या थॉट्स चल रहे हैं, मतलब आप लोग कब से ब्रीडिंग कर रहे हो या कब से काम कर रहे हो इस लाइन में, वो बताइए व्यूअर्स। ब्रीडिंग तो हम तो हाँ, हमको करते हुए जी हो गए 5-6 साल, और हमको ये था भी इनका एक स्पेशल शो होना चाहिए, स्पेशल शो होना चाहिए, क्योंकि जब तक और कोई डॉग मतलब नहीं आना चाहिए, जैसे और डॉग शोज होते हैं, क्योंकि जेसीआई में भी है ना, मतलब काफी सारे डॉग्स होते हैं, बट ये गाइस स्पेशली मतलब कोई और डॉग अंदर एंटर ही नहीं होगा। तो पाजी हाँ जी बताइए आप। स्पेशल शो कराने का हमारा ये मकसद था, क्योंकि और ब्रीड है वो बहुत अप हो चुकी है इंडिया में, बिल्कुल ये ब्रीड तो बहुत बेस्ट ब्रीड है, सबसे बेस्ट है ये, वो तो है ही है पाजी, इंडियन ब्रीड को प्रमोट करना ही चाहिए। इसको प्रमोट करने के लिए हमने ये सोचा इसको एक स्पेशल डॉग शो कराना चाहिए, इसलिए हमने इसका स्पेशल डॉग, इससे एक तो ब्रीडिंग में सुधार आएगा जी, ब्रीडिंग अच्छी होगी, ब्रीडिंग अच्छी होगी तो जैसे इंडिया में ना, मैं आपको बताता हूँ, तिब्बतन मस्टिफ बहुत अच्छे अच्छे डॉग है फॉरेन कंट्री से आए हुए हैं, बिल्कुल, पर वो लोगों ने गर्मी बंद कर रखी है, तो शो कराने का हमारा ये मकसद था कि उस डॉग जो डॉग आए हुए हैं उनकी आगे ब्रीडिंग हो और अच्छी ब्रीडिंग हो और उनके बच्चे इस शो में लगे, तो इसलिए हमने ये सोचा कि हम हर साल बिल्कुल फ्री एंट्री गद्दी और तिब्बतन मस्टिफ का शो। पाजी आप हर साल एक बार बोलते हो, हम उम्मीद करते हैं कि आप साल में 2-3 बार ये डॉग शो कराएं, क्योंकि यार सच में मतलब इंडियन ब्रीड है तो उसको प्रमोट करना बनता ही है। कभी किसी शो में आपने इतना गद्दी नहीं देखा होगा, लोग सोचते हैं कि गद्दी तो पंजाब में है ही नहीं, क्या इनका शो होगा, अभी देखो शो स्टार्ट भी नहीं हुआ, मेरे को लगता है इतनी जितनी एंट्रियां पूरे उनके दिन में होती हैं उससे ज्यादा तो अभी हो भी की है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो पाजी अब और भी हम उम्मीद करते हैं, और भी आप अच्छे से मतलब इस ब्रीड को प्रमोट करें। तो गाइस आपको दिखाते हैं, प्राइस भी है यहाँ पे 42,000 रुपये कैश प्राइस भी है, जो सबसे बड़ी हाइट के डॉग होंगे उनके लिए 42,000 रुपये कैश भी देंगे। ठीक है गाइस, सिमरन भैया हैं, आप देख सकते हो बहुत ही प्यारे यहाँ पर टीएम्स लेकर, और टीएम का यार ये वाला कलर जो है ना बहुत ही प्यारा लगता है। पाजी ये सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराओ इस कलर के साथ, कौन सा कलर आ जाता है ये? टैन और ब्लैक कलर गाइस हम बोल सकते हैं। और भैया एक चीज बताओ मेरे व्यूअर्स को, जैसे टीएम्स है ना, टीएम भी यार गद्दी की तरह एक बड़ी ब्रीड है ये, वैसे मैं बता दूं गाइस आपको तिब्बत की ब्रीड है, बट इंडिया में भी ब्रीडिंग हो रही है, और टीएम्स की अगर बात करें तो पाजी इतनी बड़ी ब्रीड होती है ना, तो जब इनके पप्पीज होते हैं तब से ही आप ट्रेन करना शुरू कर देते हो, जैसे सुसु पोटी की बात कर लेते हैं, तो आप मतलब कैसे किस तरह से सिखाते हो कि हाँ कि घर से बाहर ही करना है? एक जगह सिखाया भी इतने से करना, ओ मिस्टैंग इतने एक जगह से तभी से वो सीख जाते हैं। ठीक है, तो पाजी बात करते हैं कि अगर जो इनकी हाइट वेट है इसका आप मतलब एट प्रेजेंट जो है इसकी हाइट कितनी है? हाइट कितनी होगी?
28 के आसपास, और इनकी जो टेल है गाइस ये भी बहुत ही शानदार होती है, अपने आप में अट्रैक्ट करती है, और फ्लावर पाजी बोलते हैं कि फ्लावर बनता है तो सच में यार बहुत ही अट्रैक्ट करती है। और क्या नाम है पाजी इसका? इसका सर मुस्टैंग, मुस्टैंग नाम है। ओके पाजी, कितने टाइम का हो गया ये? 1.5 ईयर्स में गाइस आप देख सकते हो बहुत ही शानदार इसकी ग्रोथ हो चुकी है। और पाजी इनका जो बिहेवियर होता है वो बच्चों के साथ कैसा रहता है? बहुत फ्रेंडली है। अच्छा, बहुत फ्रेंडली है, मतलब यार ऐसा गाइस माना जाता है कि यार गंदी हो गया टीएम तो होगा। अच्छा, मैं तो आज पहली बार आया हूँ, मेरे को भी ऐसा एज सच कुछ नहीं, बहुत प्यार कर रहे हैं। अच्छा पाजी डॉक्टर है और ट्रीटमेंट? ऑल राइट वैसे जो मैं कहने पर डॉग इंजेक्शन जो बंदा लगाने बढ़ते रहे, देख लो मैं इंजेक्शन वगैरह लगाना मेरे कुछ नहीं। ये सही बात है, पाजी बोल रहे हैं कि मैं मतलब वेटनरी डॉक्टर, और पाजी बोल रहे हैं कि इंजेक्शन लगाता हूँ मैं, बट ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ पाजी के साथ भी फ्रेंडली है। नाइडू फनीस्ट नाइडू, ओके नाइडू, नाइडू नाम है, बहुत ज्यादा फ्रेंडली है नाइडू। नाइडू भी यार बहुत ही प्यारा है। तो पाजी आप 10 महीने का? अच्छा ये 10 मंथ्स का है गाइस। पाजी इसमें आप ब्रीडिंग भी कर रहे हो? हाँ जी सर। अच्छा ब्रीडिंग भी कर रहे हैं पाजी, टीएम और लैब्राडोर की ब्रीडिंग कर रहे हैं। अच्छा टीएम और लैब्राडोर की, टीएम जो गाइस मैं बता दूं शानदार ब्रीड है, और टीएम अगर लेने हो तो पाजी को आप कॉन्टेक्ट भी कर सकते हो। पाजी एक बार कैनल का नाम और कॉन्टेक्ट नंबर भी शेयर। बनियस कैनल 9855 3036। इंडियन ब्रीड है यार, है ना, हम भी इंडियन है नाइडू। अरे भाई बहुत प्यारे चैंपियन है, चैंपियन शशिकाल पाजी स्वागत है तोड़ा साडे यूट्यूब चैनल दे ऊपर। ते पाजी आए हैं गाइस फतेहगढ़ तो बहुत ही प्यारा ते शानदार गद्दी लेकर। गद्दी पाजी ने दस्या कि बिल्कुल प्योर गद्दी है। ते पाजी गद्दी ते टीएम दे विच सब तो पहला डिफरेंस दसो कि डिफरेंस की हुंदा। शशिकाल टीएम दा गद्दी जे मतलब गद्दी बन जांदा वीरे हेड नाल हो जोले उधर ही पास हो जांदी गद्दी बन जांदा वीरे हेड तो क्या नाम है पाजी इसका? जैक है, जैक नाम है गाइस, बहुत ही प्यारा है। कलर पाजी ए दो ही आंदे है, मतलब टैन ते ब्लैक ही आंदा या होर कलर भी आंदा? होर भी कलर होंदा है, जट ब्लैक भी होंदा, बिल्कुल आ रंग रेड कलर भी होंदा है। जेड़ा जेड़ा पाजी ये तुसी मार्किंग अभी आपने मार्किंग बताई है ना आइस के ऊपर, अगर ये मार्किंग ना भी हो तो भी प्योर ब्रीड में? अच्छा सभी में होता ही है गद्दी में। ऑल राइट गाइज आप देख सकते हो ये मार्किंग आपको मिल जाएगी गद्दी में। और पाजी इनके जो पपीज होते हैं जो लीटर साइज होता है वो कितना रहता है? इसका लीटर साइज ब्रेड डिपेंड करता है फीमेल पे, कोई 8 देती है कोई 10 देती है। अभी इसके 2 लीटर आए हैं। अच्छा 2 लीटर है इसके। अच्छा अभी एट प्रेजेंट है आपके पास मतलब पपीज, तो पाजी क्या एवरेज प्राइसिंग क्या रह रही है? वो बंदे डिस्कस हो जाएगी इंडिविजुअली, मतलब एवरेज कितना रह रहा है? एवरेज ब्रेड मेल बाबू 20, ओके ते फीमेल नियर अबाउट 15 to 16। ऑल राइट गाइस देख सकते हो बहुत ही प्यारी है, मतलब सच में ना यार दिल खुश हो जाता है ऐसी ब्रीड्स को देखकर, क्योंकि इंडियन ब्रीड्स हैं ऑब्वियसली तो मजा तो आता ही है। तो पाजी इसका जो ये आप अभी ईयर चेक टच कर रहे हो ना, तो इसका जो ये वो लोग बोलते हैं ना ये काटता है ना, कुछ भी नहीं काटता जल्दी। अरे 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 ओ भाई साहब देख सकते हो आप इसका टीथ वगैरह नहीं। पाजी ये चीज बताओ जैसे इसके ईयर का जो हेयर साइज है वो थोड़ा ज्यादा हो रखा है, तो आप इसकी ग्रूमिंग वगैरह करते हो या खुद से ही मैनेज हो जाता है? नहीं सर आप ही कर जाते हैं, अभी ना कहा जो अभी मौसम चेंज होगा ना इसमें सारे बार अपने जो ज्यादा ये चीज गाइस जो भैया ने बताई है, पाजी तुसी ने उधर पास हो, ये चीज गाइस जो भैया ने बताई है ना यार ग्रूमिंग या मतलब श्रेडिंग वाली, तो ये ऐसी ब्रीड है जो खुद से ही श्रेड कर जाते हैं मतलब समर्स में, और अपने आप को करते हैं खुद से मेंटेनेंस की भी जरूरत नहीं पड़ती है। तो पाजी के पास ऐसे पपीज भी अवेलेबल हैं गाइस, अगर किसी ने लेने हो तो पाजी को कर सकते हैं कॉन्टेक्ट। पाजी एक बार कॉन्टेक्ट नंबर और लोकेशन शेयर कर दो। कॉन्टेक्ट नंबर है 7087454402। लोकेशन क्या रहेगी भाई? फतेहगढ़ सरहंद। फतेह
ये देखो गाइस टीएम विच इज इन ब्राउन कलर, ब्राउन मतलब आप थोड़ा ऐसे फॉन्ट टाइप भी बोल सकते हो, आप चेक कर सकते हो यार कितना ही प्यारा है। तो पाजी सबसे पहले स्वागत है आपका, कहाँ से आए हो पाजी आप? पानीगढ़ डिस्ट्रिक्ट संगरूर से पाजी आए हैं, और इतनी दूर पाजी आप पहुंचे अपने डॉग को लेकर। तो सबसे पहले पाजी एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका, फर्स्ट टाइम आए आप है ना? हाँ जी बिल्कुल। तो एक्सपीरियंस कैसा रहा डॉग को यहाँ पर लाने का? बहुत अच्छा रहा जी, क्योंकि घर में रखने और यहाँ पे लेकर आने में बहुत डिफरेंस आई। हाँ मतलब क्या 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 डिफरेंस है? घर पे ये अग्रेसिव थोड़ा रहता है, अभी इतने डॉग्स में आकर थोड़ा शांत लग रहा है। ओ भाई साहब इसको संभालना, पाजी इसका जो वेट होता है वो कितना हो जाता है? इसका क्विंटल के प्लस चला जाएगा। ओ भाई साहब मतलब गाइस आप चेक कर सकते हो, इसकी एज है, आज इसकी एज हो चुकी है ये 13 मंथ 5 डे 13 मंथ्स का गाइस ये हो चुका है। और आप देख सकते हो पाजी जो इसकी ये टेल है ना, हाँ जी, ये क्या बोलते हैं इसको एग्जैक्टली, अम्ब्रेला टेल या कुछ और भी बोलते हैं हम? इसके बारे में एक्चुअली क्योंकि हमने फर्स्ट टाइम ये रखा है, ज्यादा जानकारी मुझे नहीं है। अच्छा फर्स्ट टाइम पाजी आपने रखा है, फर्स्ट टाइम रखा है तो क्या सोच के रखा है सबसे पहले ये बताओ, मतलब यही ब्रीड क्यों रखी? शौक के लिए। पर शौक से पहले आपको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन लेना तो हाँ जी जरूरी था। यूट्यूब से मैंने देखा कि ये गार्डियन डॉग है, फैमिलियर डॉग है, ठीक है, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं उनके साथ बिल्कुल मिक्सअप, बिल्कुल फैमिलियर है, कोई दिक्कत नहीं आती। तो गाइस आप सुन सकते हो भैया ने फर्स्ट टाइम, मतलब ये भैया आपने पहले और भी कोई डॉग रखा है? ये फर्स्ट पहले रखा है पर ये पहली बार रखा है। और पाजी बता रहे हैं कि छोटे बच्चे हैं पाजी के पास और एक्सपीरियंस बच्चों के साथ, बहुत ही फैमिलियर और बहुत ही प्यारा। पाजी क्या नाम है इसका? इसका ब्रूनो। ब्रूनो नाम है गाइस। एक्चुअली से पकड़ सकते हैं कुछ नहीं कहेगा। बिल्कुल मैं पकड़ूंगा पाजी, मेरे को थोड़ा सा ना ऐसे मतलब लगता है, व्यूअर्स को भी लगता है थोड़ा सा कि थोड़े एग्रेसिव होते हैं, बट पाजी जैसे बता रहे हैं कि बच्चों के साथ भी नहीं है तो हमारे साथ भी फ्रेंडली होंगे। तो पाजी प्लेफुल डॉग है पूरा। आपने पाजी ये मतलब किस रेंज में लिया आपने? एक्चुअली रेंज तो इसकी बता ही नहीं सकता, एक तो हमारे फ्रेंड से ये गिफ्ट भी आया है और अदरवाइज ये ऐसी है कि मतलब इसका कोई मूल्य ही नहीं है। ओ भाई साहब बहुत ही प्यारा आप देख सकते। गद्दी और टीएम्स का ये डॉग शो इतना ज्यादा अमेजिंग था, क्या ही बताऊं दोस्तों यार, मतलब मजा आ गया इस डॉग शो को अटेंड करके। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को भी मजा आया होगा। देख लो अभी भी गद्दी ही गद्दी है पीछे। और इसी के साथ करते हैं इस वीडियो को एंड, मिलते हैं आपके लिए और बेहतरीन और शानदार वीडियोस लेकर आएंगे। तो फिर जाते जाते एक लाइक कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको कौन से वाला अच्छा लगा, गद्दी टीएम या बखरवाल, कौन सा डॉग अच्छा लगा आपको। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।